नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या केवल 15 दिन ही बच्चे इस बार गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा ले पाएंगे? जी हाँ, क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस बार केवल 15 दिनों की ही गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों को दी जाएंगी? कुछ ऐसे सवाल आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आपके लिए जानकारी indiatoday.in के माध्यम से लेकर आई हूँ, जिसमें यह कहा गया है कि इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15 दिन की ही गर्मियों की छुट्टियाँ दी जाएंगी। कक्षा तीसरी से 12वीं तक के बच्चों को केवल 15 जून से 30 जून तक ही छुट्टियाँ मिलेंगी। नर्सरी से कक्षा दूसरी के बच्चों को पूरी छुट्टियों का मज़ा लेने का मौका मिलेगा, लेकिन तीसरी से 12वीं के बच्चे 15 जून से 30 जून तक की गर्मी की छुट्टियाँ पा पाएंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं इस साल गर्मी बहुत है और जिसकी वजह से पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान है, घबराए हुए हैं। लेकिन एक और बात भी है, इस बार जो स्कूल खुले हैं वह पिछले 2 साल बंद रहने के बाद खुले हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई का खामियाजा पर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था। इसीलिए उन बच्चों की पढ़ाई में जो एक बड़ा सा लर्निंग गैप आ गया है, उस गैप को ख़त्म करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए 35 दिनों की एडिशनल क्लासेस का आयोजन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किया गया है। देखिए, इसमें साफ साफ इस आर्टिकल में कहा गया है, इस लेख में कहा गया है कि हर कोई गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करता है, चाहे वह टीचर हैं, वह स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केवल 15 दिनों की छुट्टियां होंगी, जो कि पहले तकरीबन 2 महीने की होती थी। और इसकी वजह मिशन बुनियाद बताया गया है। कहा गया है कि तीसरी से 9वीं कक्षा के बच्चों को आगे के लिए बेहतर बनाने के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। साथ ही 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्म करने के मदद के लिए प्रिपेरेटरी क्लासेस बच्चों के लिए आयोजित की जाएंगी। और हम सभी जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। और क्योंकि मिशन बुनियाद के तहत क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। कुछ पेरेंट्स इस दिल्ली सरकार के द्वारा लिए उठाए गए इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई पेरेंट्स का मानना है कि इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि बेहद गर्मी है और ऐसे में स्कूल आना और पढ़ाई करना बच्चों के लिए मुश्किल रहेगा। तो इस संबंध में है क्या आपकी राय, मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा। और आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस कक्षा में पढ़ रहा है, क्या परेशानी आप झेल रहे हैं, या फिर आप इस दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हैं, तो उसके संबंध में भी बताइएगा। आपकी जो भी राय है, मुझे आपकी राय सुनना अच्छा लगेगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।